इधर मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए खुशखबरी है। ऊर्जा विभाग में अब भर्तियां निकलेंगी। एक महीने में भर्ती के लिए विज्ञापन निकालने के आदेश यहाँ पर दिए गए हैं। 3 महीने में भर्ती पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। 4,300 पदों पर यह भर्ती निकाली जाएगी। मध्य प्रदेश पश्चिम विद्युत वितरण कंपनी इंदौर को भर्ती के लिए नोडल कंपनी नियुक्त किया गया है। बता दें कि पश्चिम क्षेत्र कंपनी ने सभी कंपनियों के साथ समन्वय बैठक की थी। तो 3 महीने में भर्ती पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। 4,300 पदों पर यह भर्तियां निकाली जाएंगी। एमपी पश्चिम विद्युत वितरण कंपनी इंदौर को भर्ती के लिए नोडल कंपनी नियुक्त किया गया है। पश्चिम क्षेत्र कंपनी ने सभी कंपनियों के साथ समन्वय बैठक की और इसके बाद यहां पर फैसला लिया गया है। तो मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए ये खुशखबरी है, एक बड़ी सौगात यहां पर इस विभाग में, ऊर्जा विभाग में 4,000 से ज़्यादा पदों पर अब जल्द ही भर्तियाँ निकलेंगी। एक महीने में विज्ञापन निकालने के जो आदेश है वो दिए गए हैं और 3 महीने में जो प्रक्रिया है वो भर्ती की वो शुरू हो जाएगी। तो 3 महीने में भर्ती पूरी करने के जो निर्देश है वो भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो ऊर्जा विभाग में बंपर भर्तियां निकलेंगी और इसमें 1 महीने में भर्ती निकालने के लिए विज्ञापन निकालने के जो आदेश है वो भी यहाँ पर दिए गए हैं। 3 महीने में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। 4,300 पदों पर भर्तियां निकाली जाएंगी। मध्य प्रदेश पश्चिम विद्युत वितरण कंपनी इंदौर को भर्ती के लिए नोडल कंपनी नियुक्त किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी रंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजन, यहां पर एक बड़ी सौगात युवाओं के लिए, 4,000 से ज्यादा पदों पर अब भर्तियां निकलेंगी। जी बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश सरकार जो है अब युवाओं को एक बड़ी सौगात देने जा रही है, जिसके तहत जो है ऊर्जा विभाग ने भर्ती प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी है। 1 महीने के भीतर जो है विज्ञापन निकालने के आदेश भी जारी कर दिए हैं और 3 महीने के अंदर जो है ये पूरी भर्ती की जाएगी। लगभग 4,300 से अधिक पदों की जो है ये भर्ती निकाली जाएगी। इसमें अलग अलग क्षेत्रों में जो काम करने वाले युवा हैं उनके लिए जो एक सुनहरा अवसर होगा और जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जो काफी लंबे समय से चाह रहे हैं कि एक सरकारी नौकरी मिले, उनके लिए खास करके लाभदायक रहने वाला है। अलग अलग विभागों में जो है ये नियुक्तियां की जाएगी। अगर हम बात करें तो ऊर्जा विभाग ने इसके लिए जो है अभी नोटिस भी जारी कर दिया है और आपको बता दें कि लगभग 1400 से अधिक पद जो है अलग अलग क्षेत्रों में भरे जाएंगे। ट्रांसमिशन के क्षेत्र में जो है उनके द्वारा 300 जनरेटर कंपनी जो है वो 300 पद भरेगी। 270 पद जो है इसके अलावा लाइनमैन में भरे जाएंगे। इंजीनियर्स के पद खाली हैं, असिस्टेंट इंजीनियर के पद खाली हैं, लॉ ऑफिसर के पद खाली हैं, यानी आईटी से लेकर के अगर हम बात करें इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो पढ़ाई कर रहे हैं जो युवा, उनके लिए एक सुनहरा अवसर होगा। क्योंकि सीधे तौर पर अगर हम देखें 4,300 से अधिक भर्तियां की जाएंगी, जिसके लिए अगर हम बात करें तो अगले महीने जो है विज्ञापन संभव है और विज्ञापन निकलने के बाद जो है सभी युवा जो है वो अपना आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के बाद जो प्रक्रिया होती है उसको फॉलो करके वेबसाइट पे जाकर जो फॉर्म भरना रहता है उसमें अपनी सारी डिटेल देनी रहती है। डिटेल के आधार पर जो है उनको फिलअप किया जाता है। उसके बाद रिटर्न एग्जाम होगा उनका। रिटर्न एग्जाम के बाद जो है इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा और इंटरव्यू के आधार पर जो है इनको नौकरी दी जाएगी। तो सीधे तौर पर कह सकते हैं जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं या लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए जो है सीधे तौर पर यह फायदा मिलने वाला है और 4,300 युवाओं को सीधे तौर पर इससे लाभ मिलेगा। बिल्कुल, लगातार नजर बनाए रखिएगा रंजन, अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।